भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने अपनी संपत्तियों को कुर्क किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में याचिका दायर कर विजय माल्या ने कहा कि उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त न किया जाए। इस मामले पर कोर्ट सोमवार यानी 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज भी कर चुका है। इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। 63 साल के विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपयों का लोन लिया था और उसे नहीं चुका पाने के कारण 2 मार्च 2016 को वो देश छोड़कर भाग गया। विजय माल्या ने बार बार देश से भागने से इनकार करते हुए कहा कि वो भारतीय बैंकों को दिए गए पैसे वापस लौटाने के लिए तैयार है। भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।